दोस्तों एशिया कप के लीग फेज में भारत पाक का मैच धुल जाने के बाद अब सभी क्रिकेट प्रेमियों को सुपर फोर में होने वाले भारत पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार है जो कि 10 सितंबर को खेला जाना है। लेकिन मौसम एक बार फिर से यहां पर काफ़ी ख़राब है, इसके लिए एक अतिरिक्त दिन मतलब 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा गया है। क्या इस यहाँ पर दो दिनों में ये मुकाबला पूरा हो पाएगा, इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। वीडियो को पूरी तरह से अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, साथ ही लाइक का बटन जरूर ऑन कीजिए। दोस्तों आइए बिना समय नुकसान किए आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर और इंटरनेट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं 10 सितंबर और 11 सितंबर को आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में कैसा मौसम रहने वाला है और क्या ये मुकाबला कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, इस पर हम नज़र डालते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखने का प्रयास करते हैं 10 सितंबर को कोलंबो का कैसा वेदर सिनेरियो रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं 10 तारीख को भी मौसम कोई अच्छा नहीं है, 90% बरसात के चांस है और कमोबेश ये वैसी ही कंडीशन बनी हुई है जैसा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था लीग फेज में इस साल एशिया कप में, तो कुछ वैसा ही स्थिति देखने को मिलता है। और अगर हम इसे टाइम वाइज देखें तो 3 बजे से ये मुकाबला शुरू होना है। आप देख सकते हैं 3 बजे 90% बारिश के चांस हैं, 4 बजे भी 90%, इसके बाद 5 बजे 70%, 6 से लेकर 7 बजे तक फिर 90% और इसके अलावा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 80% और साथ ही रात्रि के 10 बजे 70% और एक बार फिर से 11 बजे 90% और एक बार फिर से 12 बजे 80%, सुबह में 1 बजे भी 80% और 2 बजे 90%, मतलब पूरी तरह से मौसम यहां पर छाए रहेंगे और बरसात की पूरी पूरी उम्मीद है। और दोस्तों पिछला मुकाबला तो एक दिन का खेल हो भी गया था, अगर यहां पर पूरी तरह से वाइट वॉश हो जाए तो भी यहां आश्चर्य नहीं होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर यहां खेल नहीं हो पाता है तो क्या रिजर्व डे यानी कि 11 सितंबर को यह मैच हो सकता है और कितना हो सकता है अगर होगा तो, आइए उस पर हम नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं 11 सितंबर के वेदर अपडेट की, तो कोलंबो में 11 सितंबर का मौसम और ज़्यादा वर्षा से भरा रहने वाला है। आप देख सकते हैं फिलहाल जो रेन सिनेरियो दिख रहा है, 10 तारीख को तो 90% था, 11 तारीख को 100% है। और अगर हम टाइम जोन पर देखें इस वेदर सिनेरियो को तो आप देख सकते हैं लगभग पूरे दिन यहां पर भी हमको बरसात देखने को मिलने वाला है, सुबह से लेके और पूरी तरह से काले बादल के बीच झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये मुकाबला कंप्लीट हो, ऐसा हो पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, खासकर इस वेदर सिनेरियो के साथ। दोस्तों आपको क्या लगता है, जब भारत पाकिस्तान की टीमें उम्मीद करेंगे कि फाइनल में आपस में टकराएंगी तो क्या यहाँ पर मौसम साफ रहेगा या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।